हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है भाइयों। आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर को लेकर के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मेरे सेशन, ये मेरी क्लास इंपोर्टेंट हो जाती है। कॉमनवेल्थ गेम जो कि कल ही समाप्त हुई है 2022 के अंतर्गत, ठीक है, 22 में इनका आयोजन था, ठीक है, आयोजित किया जाता है बर्मिंघम में, आपको पता भी होगी, ठीक है। और इसमें जानेंगे हम भारत की कौन से लिस्ट में कौन से नंबर पाया है, भारत के अंतर्गत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, ये सभी चीजें हम जानेंगे इस क्लास के अंतर्गत, जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। और कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी के अंदर कौन सा पदक लेकर आए, सभी चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में, जो बच्चा कॉमनवेल्थ गेम्स को बिल्कुल नहीं जानता, जीरो है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से बता दूंगा अपनी क्लास के द्वारा, ठीक है। बर्मिंघम 2022 जो कि 22वां है, ठीक है, ये याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। बर्मिंघम में जैसी गोल्ड गोल्ड स्टॉक जो कि कहाँ पर है, आपके ऑस्ट्रेलिया में, लास्ट 2018 में हुआ था। ये आपके सामने जो दिख रहे हैं मस्केट, इनका नाम पेरी है, ठीक है, पेरी, ठीक है, आपसे पूछ सकता है क्या नाम था, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। और ये थोड़ी सी कटिंग मैंने आपके सामने दी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 या 2022, डे 11 हाईलाइट्स बर्मिंघम 2022 या 2022, क्लोज विद म्यूजिकल सेरेमनी, ये समापन हो रहा है कल की है ये, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 11वें दिन इंडिया जो कि 6 मेडल लेकर आया, फाइनल डेज, ठीक है, उसमें इंक्लूड है 4 तो गोल्ड है, ठीक है। फाइनल डे 2022 जो कॉमनवेल्थ गेम है, इन बर्मिंघम टू फिनिश 4th पोजीशन हमारा भारत रहा है स्टैंडिंग, ठीक है। फर्स्ट, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको मेडल टैली मैंने दे रखी है स्लाइड में, मैं बता दूंगा कौन सा देश प्रथम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने दे रखी है, जैसे कि उसी प्रकार से मैंने राज्य स्टेट की भी दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जान लेते हैं कुछ इसके बारे में, कितने खिलाड़ी गए हैं, टोटल 210 खिलाड़ी गए, जिनमें से टोटल 106 पुरुष थे और 104 महिलाएं थी, ठीक है। ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये चला था आपका राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, बर्मिंघम के अंतर्गत, ठीक है, 22वां था इसके अंतर्गत। और मैं बता दूं, अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठेगा कि जो नया गेम है वो क्रिकेट है, ठीक है, और वोमेन इसमें एडिड थी, ठीक है, वोमेन की तरफ से क्रिकेट ऐड किया गया था, ना कि मेंस की तरफ से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो पदक जीता था भारत की तरफ से, संकेत सरगर ने जीता था भारोत्तोलन के अंदर, वो भी रजत, ठीक है। और सबसे कम उम्र की, मैंने पहले करंट अफेयर में भी करवा दी सुबह की, जैसे कि सबसे कम उम्र की लड़की थी स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह, ठीक है, 14 साल की लड़की है वो। और सबसे जो ज्यादा वर्षीय, जो प्रॉपर तरीके से या खिलाड़ी गया हमारा, 45 वर्षीय लॉन बॉल्स खिलाड़ी सुनील बहादुर, ठीक है, इंपोर्टेंट है चीजें, ये सभी चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें दे रखी है, आगे भी करवाऊंगा जिस प्रकार से, ये देखो पूरी टैली दे रखी है मैंने स्लाइड के अंदर का, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके सामने ये, इसमें थोड़ी है, ध्वजवाहक उद्घाटन के समय कौन कौन था, मनप्रीत सिंह थे और पीवी सिंधु साहब, पीवी सिंधु जी थी, ठीक है। अब जो समापन हुआ था उसमें निकरत जरीन है और सरबत अंचिता जी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा 101%, ठीक है। जैसे कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जो कि प्रॉपर ट्विटर में उन्होंने अपलोड करती थी, सेरेमनी शेयर की थी सभी के आगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इसमें किसी भी सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप ही सब कुछ करते हैं, ठीक है। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम जो 22वें नंबर के हो रहे हैं, 28 से 8 अगस्त हुए हैं, ठीक है, और तीसरी बार इसकी होस्टिंग कौन कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने मैंने बता दी है, भारत का जो महकमे, जो भारत के खिलाड़ी गए थे टोटल 210 गए थे, उनमें से 106 पुरुष 104 महिलाएं गई थी, ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, सबसे पहले और लेते हैं कि बर्मिंघम 2022 सीबीजी जो कॉमनवेल्थ गेम है, इसमें एक्सपेक्टेड टू फीचर्स कितनी कंट्री थी, 72 टीम्स थी इसमें, और विच विल इंक्लूड द 54 कॉमनवेल्थ नेशन कंट्रीज, 18 टेरिटरी, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, 72 टोटल थे, ठीक है, टीम्स, लेकिन उसमें 54 तो देश थे और 18 टेरिटरी थी, ठीक है। मतलब टेरिटरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंग्लैंड को लगा लो आप, इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर से स्कॉटलैंड था और उसकी उत्तरी आयरलैंड था, ठीक है, प्लस में इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था, तो इस प्रकार से एक ही उसमें से चार टेरिटरी बनाकर भेजे थे इन्होंने अपने अपनी टीमों को अनुसार, ठीक है। इसी प्रकार से 18 टेरिटरी को और जोड़ा गया, टोटल 72 हो जाती है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है
टीम पूछे तो बेहतर करके आना, और नेशन या देश पूछे तो 54 करके आना। ये मैंने प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को लिख दिया आपके सामने, ठीक है। एक बात और करनी थी थोड़ा सा हटके, द फर्स्ट गेम जो पहली बार गेम हुए फॉर्मली नन एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स थे, और वाज हेल्ड 1930 या 1930 के अंतर्गत हुए थे। ओरिजिनली फीचर ओनली 11 कंट्री, 11 कंट्री ने इसमें भाग लिया था, और 400 एथलीट से इसके अंतर्गत 1930 में फर्स्ट टाइम हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपके सामने एक बात और है नेक्स्ट, है कि इंडिया एट द 2010 जो 2010 के अंतर्गत जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, भारत अभी तक के सबसे, आज तक की बता रहा हूँ, 2022 तक की बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मेडल लेकर आया था। 101 मेडल आपके सामने दिख रहे होंगे, जिसमें से 38 तो गोल्ड थे, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ भारत सेकंड रैंक पर था, जो अभी तक किसी भी गेम्स में नहीं किया है, ठीक है, कॉमनवेल्थ के अंतर्गत, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा, जो कि कॉमनवेल्थ 2010 के कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे वो इंडिया के अंदर ही हुए थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे, 3 से 14 अक्टूबर 2010 में हुए थे। 101 मेडल भारत प्राप्त करके लेके आया था, जिसमें से 38 गोल्ड प्राप्त किए थे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपसे। नेक्स्ट मैं बता दूं, 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें 15 गोल्ड, 30 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज और टोटल 64 हुए थे, ठीक है। इस 2018 के अंदर जो हुआ था उसमें 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज और 66 टोटल हुए थे, ठीक है। लेकिन अब जो हुए हैं वो आपके सामने मैं आपको मैंने बता दी है। अब जो गेम हुए हैं उसमें टोटल 22 तो सोना हुए हैं, सोना या गोल्ड प्राप्त हुए, और चांदी 16 है, और पीतल 23, या मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल होते हैं कुल 61 है, ठीक है। और भारत की रैंक है 4, ठीक है। इंपोर्टेंट है सभी चीजें, मैंने 2010, 2014, 2018 और 2022 तक क्लियर कर चुके हैं आपके दिमाग से, ठीक है। जहां से भी क्वेश्चन किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने टैली भी लगा रखी है। भारत अपना चौथे स्थान पर रहा है, 22 गोल्ड के साथ 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 61 थे, ठीक है। इसमें कुछ गेम नहीं थे, लेकिन पहली बार क्रिकेट गेम खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और किसका, भारतीय खिलाड़ियों के बीच में, ठीक है। उसके बारे में बाद में मैं बात करूंगा। फर्स्ट पे रहा था 67 गोल्ड के साथ, टोटल 178 मेडल। इंग्लैंड सेकंड पर रहा था 57 गोल्ड और 26 कनाडा रहा था। ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है टॉप 5 के क्रम अनुसार क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स के नाम और कितने कितने मैं बता दूं आपको, या नहीं तो शेयर कर दूं आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। रेसलिंग हुई थी, वेट लिफ्टिंग, लॉन बॉल्स, टीटी। लॉन बॉल्स में रिकॉर्ड पहली बार हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक गोल्ड प्राप्त हुआ और एक सिल्वर प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंपोर्टेंट है मेंस और वोमेन में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा 100%, इसको याद कर लेना। पैरा में एक आया, जूडो, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, सभी मतलब टोटल 15 स्पोर्ट्स हुए थे, जिनमें से इतनों में उन्होंने अपने मेडल प्राप्त करे हैं खिलाड़ियों ने, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने मेडल्स। अरे यहाँ से थोड़ा हट गया दिखे मुझे, चलो कोई नहीं, ठीक है कोई नहीं। मैं इसमें लिखा हुआ है मेडल्स में कौन सा राज्य प्रथम रहा, मैं बता दूंगा यहाँ से। जैसे कि मैंने डिटेल दे रखी है, मेडल्स में सबसे प्रथम स्थान पर अपने भारत के अंदर हरियाणा रहा है, 20 मेडल प्राप्त करें। हरियाणा एथलेटिक्स स्टैम्प दे अथॉरिटी कॉमनवेल्थ गेम्स, हरियाणा के अंदर जो 20 मेडल प्राप्त करें, टोटल मतलब कि 35% ऑफ इंडिया का मेडल प्राप्त करके आया अपना हरियाणा का खिलाड़ी, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ए टोटल ऑफ 43 एथलीट्स थे, मतलब 43 एथलीट्स गए थे हरियाणा की तरफ से, जिसमें से 20 मेडल लेकर आए हैं और 35% हिस्सा है अपने हरियाणा का पदकों पर, ठीक है। इसी में प्रॉपर तरीके से दे रखा। और जो रेसलर हैं, रेसलर में जिसमें गोल्ड मारे बजरंग पूनिया जी हैं, साक्षी मलिक, दीप पूनिया, विनेश फोगाट, इनपिक नवीन एंड रवि दहिया विन गोल्ड मेडल रिस्पेक्ट वेट कैटेगरीज। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। एज मैनी 9 हरियाणा स्पोर्ट पर्सन वन द गोल्ड, 41% मतलब 41% नो गोल्ड के साथ, और सिल्वर जो कि 25% हिस्सा है, ठीक है, ये ऑफ इंडिया की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और 7 ब्रॉन्ज जो 30% हिस्सा है अपने हरियाणा के खिलाड़ियों का, ठीक है। टोटल हो जाते हैं ये, टोटल 20 मेडल हो जाते हैं और 35% हिस्सा हो जाता है मेडलों पर भारत की तरफ से हरियाणा का, ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। आपको सिक्किम आपको पता होगी, 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख प्रॉपर तरीके से दिए जाते हैं। ये कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है, मतलब कॉमनवेल्थ में जो भी पदक जीत कर आता है, और सरकार द्वारा ये स्कीम लॉन्च कर रखी है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन, मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। एक और रिकॉर्ड बना है जो विनेश फोगाट है, वो पहली वर्ल्ड के अंदर बता रहा हूँ मैं,
पहली हैट्रिक गर्ल हो गई है कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने, जैसे देख रखा है विनेश फोगाट, तीन प्लेयर खेली है, तीन ही वन जीते हैं इसने, गोल्ड जीते हैं टोटल। ठीक है, आपसे किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और वही रही रवि, जो रवि दहिया जो है 57 किलोग्राम में वो कैटेगरी में अपना गेम खेलते हैं, उन्होंने विश्व चैंपियन के अंदर वो सॉरी विश्व चैंपियन एशियन चैंपियन जो हुआ था अभी, ठीक है, वो लगातार भी तीन तीन बार गोल्ड जीत चुके हैं। और पहली बार वो रवि दहिया जी इस कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिए थे और वो पहली बार नहीं गोल्ड मेडल प्राप्त कर आए हैं, ये भी क्वेश्चन उठ सकता है आपके माइंड से। ठीक है, उसका भी मैंने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार खेले जा रहा क्रिकेट जिसमें आखिर तक जो हुआ है वो आखिरी जो फाइनल हुआ है भारत के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, काफी बढ़िया मैच हुआ था। ठीक है, टक्कर की मैच हुई, टक्कर का मैच था ये, बहुत बढ़िया। ठीक है, एंड तक देखा था मैंने भी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने भारतीय खिलाड़ी की जो लड़कियां हैं उनको रजत पदक जीता था और यहाँ पर गोल्ड जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, गोल्ड कौन, रजत या सिल्वर कौन प्राप्त करके आई थी क्रिकेट के अंतर्गत। ठीक है, एक और बात है जो नया रिकॉर्ड बना है। ठीक है, CWGME के अंतर्गत भारत ने रचा इतिहास, ये लिख रहा है 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश हो चुका है। देश इसके ऊपर आपके पता ही है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड रहे होंगे, वो 300 400 500 के ऊपर है उनके पास गोल्ड मेडल की संख्या। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। एंड ऑफ द जो सेरेमनी हुई थी कॉमनवेल्थ गेम की कल ही, तो उसमें आपको मैंने अचेतना सारा और कमल और निकेत जरीन जी, निकेत जरीन ये दोनों दिख रहे हैं आपको, समापन की तरफ झंडा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्घाटन के समय कौन था और समापन के समय कौन था झंडा को लेकर के। ठीक है, इसके बारे में मैंने अच्छा और भी कुछ मैंने लिखा है राष्ट्रमंडलों के बारे में। ठीक है, राष्ट्रमंडल जैसे आमतौर पर कॉमनवेल्थ के रूप में जाने जाते हैं, इसमें 54 सदस्य रहते हैं, ये प्रॉपर तरीके से मैंने बता चुका हूँ, इसकी पूरी डिटेल मैंने दे दी है, कब हुए थे, किस प्रकार से घोषणा हुई थी और पहली बार कब इनका गठन करके, फिर पहली बार कब 1930 में खेले गए थे, कितने मतलब 400 खिलाड़ी थे आपको प्रॉपर तरीके से, 11 कंट्री ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में और आप डीपली वाइज पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये देख लो, इसमें घोषणा 1926 में होती है, फिर इसमें संधि होती है, ठीक है, 1931 में कुछ, ठीक है, और लंदन घोषणा 1949 से हो जाती है प्रॉपर तरीके से, ये वही है मतलब कि जो औपनिवेशिक काल के अंदर रहे थे। ठीक है, ऐसे कौन कौन से देश मैंने बताया था, कौन से देश हैं, तीन ऐसे कौन से देश हैं जो औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों के अंडर में नहीं थे, मतलब उनके उन्होंने उन पर राज नहीं किया था और फिर भी वो कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले रहे हैं, बता सकता है कोई भी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करता हूँ आज का सेशन अब मेरे भाइयों को बहुत अच्छा लगा होगा और प्रॉपर तरीके सभी चीज मैंने आपको दे दी है। ठीक है, फर्स्ट पर हरियाणा था, सेकंड पर पंजाब था, इसी प्रकार से मैं लिस्ट लाने भूल गया हूँ। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर हर खिलाड़ी का या किससे रिलेटेड कौन सा पदक लेकर आया है और कौन से राज्य से रिलेटेड है, कौन से जिले से रिलेटेड, ये क्लास चाहिए तो प्रॉपर तरीके से मुझे कमेंट कमेंट कर देना और मैं आपको सामने उनको ला दूंगा, पूरी टैली प्रॉपर तरीके से उनके बायोडाटा आपके सामने रख दूंगा, इसी प्रकार से जिक्र कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।